भागलपुर के कजरैली थाना अंतर्गत कजरैली गांव में आज सुबह दो समुदायों के बीच आपसी नोकझोंक हुई। यह नोकझोंक इस कदर बढ़ता चला गया कि बात मारपीट पर आ गई, जिसमें दोनों समुदाय के दर्जनों लोग आपस में भिड़ गए। वहीं कुछ लोगों को चोटें भी आई है। घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटनास्थल पर SSB की टीम, दंगा पार्टी, 6 थानों की पुलिस बल, DSP, SDO और पुलिस अधीक्षक पहुंचकर मामले को शांत किया। तत्काल पुलिस फोर्स वहां भरी हुई है। पूरा इलाका अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील है। वर्तमान स्थिति शांतिपूर्ण व सामान्य है। वहीं शांति समिति की बैठक कर गांव में दोनों समुदाय के लोगों को समझाने का भी काम किया गया। वहीं पुलिस फोर्स घटनास्थल पर अभी भी तैनात है। साथ ही पुलिस फोर्स गांव में फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि किसी भी तरह की बड़ी घटना को असामाजिक तत्व अंजाम ना दे। वहीं इसको लेकर भागलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी तरह की टिप्पणी करने से मना करते हुए लोगों को हिदायत दी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो उसके ऊपर भी विधि संवत कार्रवाई की जाएगी। खाली मारना शुरू, वो जो बड़का बड़का खंती लेकर आया, क्या आदमी खा ले परवेज उधर दोनों बाथरूम से जो आया, तो दोनों पीछे बगल बाथरूम है शौचालय, एगो वो लड़का और ये नहीं पेट्रोल पंप का बाथरूम है। हम जो ऑफिस से निकले ना तो दोनों दोनों का कट्टा धरा हुआ था, तो हम गए, ये भी आ गया उधर से, धमक चेहर कर मारो रुजो मारो रुजो, बस जब बोले ना तो 15-20 होता दीदी, बस सबको दीदी मत देना मतलब चालू कर दिया। हमारा पास पैसा था दीदी 27,000, 27,000 में ईटो में ईद आ गया दीदी, इसका 27,000 पेट्रोल पंप वाला मोबाइल भी ले लेते लिया है। एकरम और मोचम सिपाही है दीदी, हाँ सिपाही है दीदी, रिटायर कर दिया है दीदी, हमारा हमारा कोई हानि और ये कोई हमरा हमरा पैसा लिया है एकरम ने और मोचम सिपाही ने, मोबाइल भी लिया है दीदी, मोबाइल छोटका दीदी था हमारा, और नोकी सैमसंग का था दीदी, हम झूठ नहीं बोलेंगे दीदी। छोड़ा या बस एक मेरा जो बेटा आया दीदी कि क्या झगड़ा क्या झगड़ा कर, हमारा बेटा को जो दीदी मारा नमस्तक पर उसी जगह बेहोश हो गया दीदी, और उसके बाद हमारा भतीजा को कान्हा पर उठा के ले जाके दीदी वो मोहम्मदन टोली था दीदी, उसी में ले जाके केबलों में पैक कर करके बिरेन हेमरेज जाए दीदी, इनके ज्यादा कर दीदी भागती है। कजरैली थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप है, वहीं पे दो तीन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हुई, उसमें फिर अगल बगल के गांव वाले इन्वॉल्व होना शुरू ही हुए थे। तत्काल थाना वहाँ पहुँचा, फोर्स पहुँचा और हम लोग भी पहुँचे, SDM साहब भी पहुँचे और भारी डिप्लॉयमेंट के साथ उसको कंट्रोल किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है और दोनों जो गांव थे वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट आगे भी रहेगा। सर मामला आखिर क्या, मामला क्या था? मामले का हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे जो तथ्य आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। किसी पर्सनल रीज़न की वजह से लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें फिर दोनों पक्ष इन्वॉल्व हो गए, तुरंत उसको कंट्रोल किया गया और उसकी जांच करके जो भी उनमें इन्वॉल्व हैं दोनों पक्षों की तरफ से डिटेन किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन में तथ्य बाहर आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी 4-5 लोगों को दोनों तरफ से डिटेन किया गया है और आगे भी जो जो इन्वॉल्व है उनको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। शराब के नशे में धुत सिपाही जयबदन सिंह ने महिला सहकर्मी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला सिपाही ने जब शोर मचाना शुरू किया तब वहां दर्जनों सिपाही पहुंचे और इस घटना का विरोध करते हुए जयबदन सिंह को धक्का मारते हुए पुरुष बैरक तक ले गई। नौगछिया की न्यू पुलिस लाइन में बनी एक ही बिल्डिंग में नीचे पुरुष और ऊपर महिला सिपाही रहते हैं। देर रात सिपाही जयबदन सिंह ऊपरी बैरक में शराब के नशे में पहुंच गया।
नशे में उसने महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी जयबदन सिंह रोहतास की दिनारा का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही तीनों थानों की पुलिस न्यू पुलिस लाइन पहुंच गई और आनन फानन में देर रात बिल्डिंग के सभी पुरुष सिपाहियों को हटाकर होम गार्ड के बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी सिपाही जयबदन सिंह को हिरासत में ले लिया और मेडिकल जांच के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। जांच में पाया गया कि सिपाही जयबदन सिंह शराब पिए हुए थे। वहीं पुलिस महिला सिपाही को सारी बातों की जानकारी के लिए महिला थाने ले गई। इस घटना की सूचना नवगछिया थाना डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार पांडे, नवगछिया थाना प्रभारी भरत भूषण, मेजर और महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी को भी दे दी गई। बीती रात्रि सर पुलिस लाइन में कुछ मामला हुआ है, महिला सिपाही के साथ क्या मामला था सर? जानकारी मिलते ही जैसे जानकारी मिला तत्क्षण डीएसपी मुख्यालय को और सार्जेंट मेजर को भेजा, जाँच करवाया। जाँच में बातें सत्य पाई गई। महिला पुलिसकर्मी के आवेदन पर FIR दर्ज किया गया प्रॉपर सेक्शन में और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया और उसे जेल भेजा गया। हम इसे स्पीडी ट्रायल भी चला रहे हैं ताकि अन्य पुलिसकर्मी सहकारी जो सरकारी कर्मी हैं वो सबक ले लें कि अपने सहकर्मी से कैसा बिहेव करना है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय का आज 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फ्लैग होस्टिंग से हुई। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की शुरुआत 28 अक्टूबर 1970 ईस्वी को हुई थी। पहले यहां 50 सीटों पर डॉक्टर व प्रोफेसर की पढ़ाई की जाती थी। इसके बाद इसकी सीटों को बढ़ाकर 100 कर दिया गया और अभी 120 सीटों पर हर वर्ष कुशल डॉक्टर निकलते हैं और पूरे देश में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही पहले यहां अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई कराई जाती थी लेकिन अब पोस्ट ग्रेजुएट की भी पढ़ाई हो रही है। 53वें स्थापना दिवस पर यहां के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें सबों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली गई। वहीं कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार भगत ने बताया कि अभी तक 2500 डॉक्टर अपनी पढ़ाई करके निकले हैं और पूरी दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। सही पूर्ववर्ती छात्रों का 2 और 3 दिसंबर को एक बैच मीटिंग रखा गया है। वहीं मेडिकल ऑफिसर मेडिकल ऑफगैनी डिपार्टमेंट की डॉक्टर सीमा सिंह ने बताया यह कॉलेज सने सने आगे बढ़ता चला जा रहा है। पहले कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी लेकिन अब सारी सुविधाओं से लैस यह कॉलेज छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। आज तो विधिवत इनॉग्रेशन हुआ फ्लैग होस्टिंग के साथ। ये CFD 53 है अभी और तब से दिन रात चौगनी दुगनी इतना तरक्की कर रहा है ये मेडिकल कॉलेज। जब हम लोग आए थे उस समय से अभी तक इसका कायाकल्प हो गया है। इतना अधिक परिवर्तन हुआ है अच्छे दिशा में। लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए ये कॉलेज अपने आप में एक नाम कर चुका है और आगे भी करते रहेगा। आज की तारीख में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी भागलपुर मेडिकल कॉलेज के नाम से 1970 में 23 अक्टूबर को आज 28 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें कि एडमिशन हुआ था दिसंबर में शायद। इसके पहले जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर SM घोष थे, उन्हीं के देख रेख में ये कॉलेज फिर डेवलप किया है। ये कॉलेज जो है पहले बैच के जो स्टूडेंट थे, चूँकि यहाँ पर फैकल्टी या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम रही होगी
इसके वजह से यहाँ के जो 50 सीट के मान्यता प्राप्त थी उसमें से छात्रों को कुछ राजेंद्र मेडिकल कॉलेज RMCH और कुछ को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था, आधे दरभंगा आधे यहाँ पे। उसमें से कुछ छात्र अभी भी जो उसमें के एडमिशन बैच के थे अभी भागलपुर में कार्यरत हैं और यही प्रोफेसर थे, यही प्रोफेसर भी थे और यहाँ से रिटायर किए हैं। 1971 में जो सेकेंड एडमिशन जो दिसंबर में हुआ उसके बाद से उनकी सारी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर होते रही। कालांतर में ये 50 सीट से 100 सीट हुआ, 100 सीट से अभी तत्काल में हम लोग 120 सीट पर कार्यरत है मेडिकल कॉलेज। ये धीरे धीरे इसमें पहले केवल अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती थी, कालांतर में फिर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होने लगी। अभी करीब करीब 60-70 छात्र जो हैं PG के यहाँ पर एडमिट होते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट है बहुत धीरे धीरे होता गया लेकिन अभी काफ़ी अच्छी हालत में है। यहाँ के छात्र जो हैं करीब करीब 2500 के आसपास पास आउट हो चुके हैं अभी तक UG में और देश विदेश सारे जगह कार्यरत हैं। इनका भी ये कॉलेज बैच मीट भी होने वाला है शायद दिसंबर में, दो तीन दिसंबर को होने वाला है। तो सारे देश विदेश से और जो भारतवर्ष में कार्यरत है सारे छात्र यहाँ आएंगे। जदयू प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्धारित विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम कर्पूरी चर्चा का आयोजन लगातार हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी बाबत अगले चरण में यह कार्यक्रम नाथनगर विधानसभा में प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को सुगमता से करने को लेकर जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कई बिंदुओं पर वार्ता की। इस कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद कहकसा परवीन, जिलाध्यक्ष नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, अरविंद निषाद, प्रवक्ता शोभानंद मुकेश, शिशुपाल भारती के साथ ही जिला एवं खंड स्तर के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जानकारी जदयू के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी सुपाल भारती ने दी। हम साथी हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि कर्पूरी जी का जो सपना था, कर्पूरी जी ने जो योजना बनाई थी उस योजनाओं को, उस कदम पर, उस सपने को जो साकार आज माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 17 वर्षों से बिहार में कर रहे हैं, उन कार्यक्रम और योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का, जन जन तक ले जाने का चर्चा हम लोग करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच उस योजनाओं को बनाना चाहते हैं और उसके माध्यम से जन जन तक जाए और कर्पूरी जी के सपने को जो आज साकार कर रहा है हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, कर्पूरी जी के सपने को साकार करने के लिए उसी उद्देश्य से आज कार्यक्रम किया गया है। उसी कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए हैं। 24 का कुछ तैयारी है क्या? आगामी लोकसभा 24 का जो चुनाव है उसकी तो तैयारी हम लोग का कंटिन्यू चल ही रहा है। कर्पूरी चर्चा क्योंकि अति पिछड़ा समाज का जो काम हुआ है, अति पिछड़ा समाज के लिए हमारे नेता ने काम किया है, ये योजना चलाई है, जो आरक्षण दिया है विशेष रूप से एकल पद पे, विशेष रूप से पंचायती राज में महिला आरक्षण, ये तमाम चीज़ों को कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए ये आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी आप कर सकते हैं। हम लोग का तैयारी तो सालों भर रहता ही है, हम लोग पार्टी के काम में लगे रहते हैं, फिर भी प्रदेश का ये कार्यक्रम है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं। जो कर्पूरी जी के विचार हैं, जिस कर्पूरी जी के विचार पर हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो चल रहे हैं उसी बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग समाज को बता रहे हैं कि किस त्याग और समर्पण से इन्होंने सेवा की है, कर्पूरी जी की जो सोच थी उसको ज़मीन पर उतारा है। तो इसी भाव से हमारे सारे कार्यकर्ता लोग, हमारे जितने यहाँ पर ग्रामीण आते हैं सभी को ये बात हम लोग जानकारी दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि समाज में जो भाजपा सरकार द्वारा जो बंटवारा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, उस भाव को एकजुट रखने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सब मिलके रहें। और जो समाजवादी नेता जो कर्पूरी जी हैं और जो समाजवादी सोच के आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो सभी समाज को सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़े हैं, उनको मानना है, ना कि ऐसी सरकार और ऐसी केंद्र सरकार जो समाज को बांटने का काम कर। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड में आज जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DDC अनुराग कुमार के अलावे कई विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस जन संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों ने जन संवाद कार्यक्रम से अपनी कई बातों को पदाधिकारियों से साझा किया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस कार्यक्रम को हर क्षेत्र में कराया जा रहा है जिससे लोग सरकारी योजनाओं के बारे में जान सके और उसका लाभ ले सके। हम लोगों ने
मैनपुर प्रखंड में यह कार्यक्रम किया, जिसमें कई योजनाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे। लोगों को जो भी योजनाओं की जानकारी नहीं थी उन्हें दी गई। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि हर क्षेत्र में यह जनसंवाद कराकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट पटना भेजी जा रही है। कार्यक्रम का आज हम लोगों ने नारायणपुर प्रखंड में आयोजन किया है। दो स्थानों पर यह कार्यक्रम हुआ है और आप लोग सब लोगों ने देखा कि इसको लेकर के लोगों में जो है काफ़ी उत्साह है और लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों ने बताया भी है। एक वीडियो के माध्यम से भी जो स्कीम्स के लाभुक हैं उनके द्वारा जो है अपने अनुभव को साझा किया गया है और जो भी सुझाव प्राप्त किए गए हैं उसको हम लोग संबंधित विभाग के पदाधिकारी तक, वरीय पदाधिकारी तक पहुंचा देंगे। और ये जनसंवाद कार्यक्रम पूरे जिले भर में आयोजित होना है, इसको लेकर के लगातार हम लोगों का भ्रमण चल रहा है और लोगों के सुझावों को हम लोग संग्रहित करके पटना जो है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर तक जिला मुख्यालय स्थित सैंडिस कंपाउंड भागलपुर के अलावा विभिन्न स्थलों पर एक साथ किया जा रहा है। प्रतियोगिता में तीन आयु वर्ग अंडर 14, 17, 19, कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी कोटि के विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिका खिलाड़ी पदक की प्राप्ति के लिए अपने कला कौशल व शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। आज इसका विधिवत उद्घाटन DIG विवेकानंद, खेल पदाधिकारी के अलावा कई अधिकारियों ने सामूहिक रूप से बेलून आसमान में उड़ा कर किया। जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, शतरंज, वॉलीबॉल आदि खेल आयोजित की जाएगी। सभी खिलाड़ी मार्च पास्ट में ड्रेस कोड सहित विद्यालय के बैनर के साथ शामिल दिखे। खेल पदाधिकारी ने बताया कि उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलन, झंडोत्तोलन, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति, शपथ ग्रहण समारोह आदि प्रस्तुत किए गए। खिलाड़ियों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। मार्च पास्ट में खिलाड़ी तिरंगे झंडे के साथ सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में शान बढ़ाते दिखे। जिला स्तर पर विजेता, उपविजेता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल एवं ट्रॉफी से खेल के अंतिम दिन नवाजा जाएगा। आज उद्घाटन सत्र के बाद एथलेटिक्स एवं कराटे की सभी आयु वर्ग बालक बालिका की प्रतियोगिता कराई गई। साथ ही साथ कबड्डी बालिका वर्ग एवं खो खो बालक वर्ग की प्रतियोगिता तीनों आयु वर्ग में आयोजित की गई एवं क्रिकेट अंडर 19 बालक वर्ग का चयन ट्रायल आयोजित किए गए। देखिए, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आज उद्घाटन किया गया है और काफी संख्या में बड़े उत्साह से बच्चे जो है इसमें भाग ले रहे हैं और अच्छी खासी संख्या है और इतनी बड़ी भीड़ इस ग्राउंड पर मैंने पिछले 2 साल में नहीं देखी थी, तो यह निश्चित ही उत्साहवर्धक है और मुझे विश्वास है कि यहाँ से कई प्रतिभाशाली बच्चे निकलेंगे जो राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर अपना परचम लहराएंगे और इसमें से हमें नई प्रतिभाएं भी मिलेंगी।